कुछ तो परंपराएं चल रही हैं तो उसके तहत कर लेते हैं। तो असली सम्मान तो ये है उस व्यक्ति का कि उस व्यक्ति से अगर किसी को प्रीति है तो वो फिर उसके आचरण का अनुसरण करता है, वो ही उसका सम्मान है। स्वामी जी कहते हैं मेरा सम्मान यही है कि जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति करने में आप अपना सहयोग दें पूरी ईमानदारी के साथ। आप संगठन में लगे हैं तो संगठन की सेवा करें, आप पढ़ाई में लगे हैं तो विद्या अर्जन में सहयोग करें, वो ही स्वामी जी का सम्मान है। तो उसमें फूल देने की जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें होती हैं प्रतीक रूप में, जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो उसका अपना भी लाभ है, भौतिक लाभ भी है, आध्यात्मिक भी है, सामाजिक भी है, और एक वो प्रतीक भी है। पूरा जीवन हमारा कैसा हो उसका तो वो प्रतीक है। तो कुछ चीजें प्रतीक भी होती हैं। जब हम किसी मनुष्य को, किसी अपने सम्मानित आदर्श को या देवता को फूल चढ़ाते हैं तो वो प्रतीक है हमारी उसका, खुशियों का, कि हम अपनी अच्छी से अच्छी जो हमारे पास वस्तु है वो हम आपको भेंट देना चाहते हैं। तो वो हमारे अच्छे विचार हो सकते हैं, अच्छे भाव हो सकते हैं, और जो भी हमारे पास कुछ अच्छा है उसका वो प्रतीक है, वो पुष्प। तो कुछ साधक तो कहते हैं कि फूल मत चढ़ाओ, फूल तो बहुत चढ़ा दिए भगवान को, अब अपना सिर चढ़ाओ, क्योंकि वो भी तो उस पौधे का सिर है ना वो फूल, तो उसके सिर को काट के मत चढ़ाओ, अपने वाले को काट के चढ़ाओ। और अपने वाले को काटने के लिए चक्कू मत चलाओ, अपना जो घमंड है, अभिमान है, अहंकार है उसको चढ़ा दो उसके चरणों में। तो वो प्रतीक भी है कुछ चीजें। ठीक है, हाँ जी, ओम दीदी। दीदी जो आपने जैसे भाव संशुद्धि की बात हुआ था, भाव संशुद्धि यानी कि भाव जो शुद्धि नहीं होता है तो उसका कारण आपने बताया था, जैसे विक्षेप और मल और आवरण बताए थे, चित्त का सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि जो चित्त का स्थिति जो जो मल यानी कि अशुद्धि होती मल है, विक्षेप आवरण भी आवरण बताए थे। दो तो समझ में आए। मल में जो आप जैसे मल गलत विचार, गलत भावना, गलत संगत होती है, ये तो एक एक पक्ष है गलत की। पर अगर हम देखेंगे तो कोई चीज ऐसा होता है जो अच्छी चीज, अच्छी संगत हो, अच्छी भावना हो, या जैसे अगर अच्छी कोई रिलेशन भी हो तो बाद में यानी कि वो बन जाता है, मल बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दीदी, जैसे अब हम यहाँ आए, पहले जो हमारे रिलेशन थे मामा के या लड़के या जो भी हो, तो वो रिलेशन अब हमारे लिए, अभी साधक के लिए, हम लोग के लिए वो मल है, यानी कि वो हमारे लिए गलत है। यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा संगत करेंगे ज़्यादा, वो हमारे लिए उचित नहीं है। तो एक ये हुआ। और दीदी जैसे हम लोग, अगर आपने बताया था, होता भी नहीं है, जैसे अगर हम लोग लाइब्रेरी में अगर कोई साफ करते हैं या हमारी किताब साफ करते हैं तो उसी से भी कुछ निकल जाते हैं। कोई नोट्स लिखे हैं, कोई कबाड़ी मांगता है तो हम लोग नोट्स दे देते हैं, परंतु पहले तो हम लोगों ने अच्छे हिसाब से उसको इकट्ठा किया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि दीदी जैसे हम लोग अच्छे चीज़ में वो जो मल ना बने, यानी कि जो बाद में बुरा ना बने, उसको पहले एनालाइज या सिलेक्शन यानी पिक कैसे करेंगे उसको, पहले से जो वो उसको। आपके ज्ञान के आधार पे पिक होगा। जैसे जैसे आपका ज्ञान परिष्कृत होता जाएगा, और मल वो रिश्तेदार नहीं है, वो तो दीदी मल नहीं, जैसे एक साधक हमारे के, चित्त में था, उनके प्रति जो आसक्ति है वो मल है। अगर हमारे चित्त में आसक्ति नहीं है तो हम उनके साथ भी इतनी ही प्रसन्नता से मिलेंगे जितने कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलते हैं। वो भी एक आत्मा है, ये थोड़ी है कि भाई अब हम यहाँ आ गए इस रास्ते में तो जो संबंधी थे वो हमारे लिए मल बन वो गए। तो एग्जाम्पल था दीदी एक। नहीं, कोई भी चीज एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। संसार की कोई भी संबंध या कोई भी वस्तुएं, कोई भी व्यक्ति, वो नहीं है मल। अंदर होते हैं हमारे, अंदर से यदि उसकी आसक्ति को हमने हटा दिया है तो वो कुछ भी, ना तो वो हमें सुख देते हैं ना तो वो हमें दुख देते हैं। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। हम ना बाहर की चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से संतुष्ट होते हैं ना उनसे दुखी होते हैं।
हम अपनी आत्मा में अपने आप से ही संतुष्ट हैं क्योंकि हम पूर्ण हैं, तो फिर वो हमें सुख भी नहीं देती है, दुख भी नहीं देती है। तो राग और द्वेष रहेंगे तो दोनों रहेंगे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नहीं रहेंगे तो दोनों नहीं रहेंगे। जब किसी के प्रति राग नहीं होता है ना, तब किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होता है। आसक्ति ही हमें उसके बीच में बाधा जो आती है उनके प्रति द्वेष पैदा करवा देती है। इसलिए गीता का तो जो बिल्कुल एक सार रूप में जो संदेश है ना, वो अनासक्त होना ही है। और अनासक्ति बाहर की चीजों को हटाने से नहीं होती है। आप कितना भी छोड़ा हो, और वहां मामा चाचा ताऊ के बच्चों को छोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ अपना लिए इतने सारे, तो क्या फर्क पड़ गया, चेहरा ही तो बदला। आसक्ति तो अंदर है, और उसको छोड़ दिया तो फिर वो सारे ही भगवान के ही रूप है, फिर कोई भी बाधक नहीं है। और दूसरा आपने क्या पूछा कि कभी कभी तो जो कबाड़ी मानते हैं उसमें से भी कुछ अच्छा निकल आता है। दीदी वो नहीं पूछा मैंने, जैसे अच्छे हम लोग कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई नोट्स बनाए हैं, तो अभी हम लोग जो लिख रहे हैं कल के दिन में जैसे पुराना हो जाता है तो वही निकालते हैं, तो उसमें हम लोग ने ये भाव नहीं होता, ये तो अच्छे के लिए करते हैं, पर अच्छे में भी बुरे निकल जाते हैं कभी, तो ये कैसे होता है, इसको कैसे रोके। नहीं रोकना क्या है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए उसको छोड़ते जाओ। जिस दिन उसको अपनाया था उस दिन ज्ञान ऐसा था कि वो हमारे लिए हितकारी लग रहा था, आज ज्ञान ऐसा हो गया है तो हितकारी नहीं लग रहा है, उसको छोड़ दिया। छोटा बच्चा होता है तो प्लास्टिक के खिलौनों से कितना प्रेम करता है, देता ही नहीं किसी को, रात को भी अपने बेड पे अपने साथ लेके सोता है उसको। छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, तो वो किसी को नहीं देते, और वो खिलौने आप सब ने ले रखे हैं, लेकिन अब कहाँ है वो खिलौने, और अभी आपको कोई ला के दे तो लो भाई इसको अपने साथ ही रखना, फिर क्या कहोगे, क्या छोड़ो इसको फालतू की चीज, वो ही है आप। तो बचपन में आपका वो ही ज्ञान था, आपको लगता था यही मेरी सारी दुनिया है, तो उसके बिना हम नहीं रहते थे। तो जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान परिष्कृत होता जाता है तो वैसे वैसे उसको वो चीजें, मतलब वो उससे कोई घृणा भी नहीं है कि वो खिलौना कोई लाए तो आप उससे बहुत घृणा करेंगे, ऐसा भी नहीं है, पर उसका कोई महत्व भी नहीं है। एक उदासीन स्थिति हो जाती है, न्यूट्रल अवस्था हो जाती है एक, तो ऐसे योगियों की हो जाती है जैसे जैसे उसका ज्ञान परिष्कृत होता है। कोई भी चीज हमें नहीं बांधती है जब तक कि हम बंधने को तैयार ना हो। लेकिन ये इतने धड़ल्ले से केवल योगी बोल सकता है, साधक को तो बचना ही होता है, उसको बचना भी चाहिए, तो उसकी मनाही नहीं है। क्योंकि ये भी तो बताया ना उसमें योग दर्शन में कि वो चार वहां पे बताए ना चतुर्थ पाद में आलंबन आदि, उनके हटाने से वो हट भी जाते हैं चित्त के, हेतु फल आश्रय आलंबन। तो आलंबन भी तो हमें वैसा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो सद आलंबन तो रखने चाहिए, और जो नीचे गिराने वाले आलंबन हैं उनसे बचना चाहिए। जो हमारी चेतना का विकास करते हैं वो आलंबन रखने चाहिए। जैसे किसी योगी का चित्र है, किसी योगी की फोटो है, और ओंकार का जप है, यज्ञ है, सत्संग है, भजन है, स्वाध्याय है, ये कैसे आलंबन है, ये हमारा विकास करते हैं, ऊपर उठाते हैं हमें, तो ये तो रखने चाहिए सदा आलंबन तो। और जो बुरे आलंबन है उनको हटाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा उनको हटाते जाएंगे। दीदी मेरा खास क्या था, जैसे विचार विचार भावना भी, अच्छे भावना विचार, अच्छे संगत, अच्छे जैसे मान लीजिए अच्छे जैसे हम लोग वहां तो छोड़ के आए, तो यहाँ अगर देखते हैं तो जैसे दोस्त बन जाते हैं या कोई बन, तो वो तो हम लोग अच्छे भाव से करते हैं, परंतु उसी में भी फिर बाद में वही चीज बुरा बन जाता है, तो यानी कि बाद में बुरा बने तो छोड़ देना, तो बुरा तो मत बनाओ कम से कम, बस ये बुरा है हो कि जाता अनासक्त है, नहीं बुरा मत बोलो उसको, अच्छा। ये बोलो कि उससे अनासक्त हो गई, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं, अब उसकी आवश्यकता नहीं है हमें, उसे द्वेष नहीं करना। बुरा का मतलब है फिर द्वेष, और अच्छे का मतलब है उससे राग, वो नहीं रखना है, राग भी नहीं रखना है,
द्वेष भी नहीं रखना है। अभी हमारे लिए हेल्पफुल है तो उसको ले लो, और फिर नहीं है तो ठीक है वो अपनी जगह पे रहे। फिर अभी आपको अन्न खाने की जरूरत है तो खा लो, लेकिन उसमें आसक्ति पूर्ण मत खाओ। और आपको आगे चल के ये लगे कि एक टाइम खाने से ही काम चल रहा है तो नाश्ते को छोड़ दो, पर उससे घृणा मत करो, रे ये नाश्ता कहाँ दिख गया मेरे को, ऐसे नहीं। ठीक है दूसरे खा रहे हैं तो खाने दो, मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरा तो एक बार खाने से ही काम चल जाता है। इस ये भाव बनाने का अभ्यास करना है हमें, तो इससे हमें दुखी नहीं होना कि जी क्या पता आज जिसको अच्छा समझ के अपना रहे हैं कल वो ही बुरा बन जाता है। ऐसा बुरा बनता नहीं है, वो अपनी जगह में वैसा ही है, पर आज हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। बस वो तो जैसा था वैसा ही है, वो कैसे बुरा हो सकता है, ना वो उस दिन अच्छा था ना वो आज बुरा है, वो जैसा था वैसा ही है आज भी, हमें उस दिन उसकी आवश्यकता थी आज हमें आवश्यकता नहीं है, बस इतनी बात। यही त्याग में भी आएगा फिर तो दीदी, जैसे क्योंकि त्याग आपने जो कल बताया था ना, तो अब आपने पूछा ही नहीं, आप लोगों को ही पूछना चाहिए ये था कि त्याग है क्या, तब तो लिस्ट बनाओगे ना। तो वही त्याग में भी तो वही होगा, जैसे अगर हम लोग पहले गलत नहीं किए थे त्याग तो क्या है, आप क्या समझे त्याग से, अब आप लिख के ले आई अपना अपना, ठीक है मैंने भी ये सोच लिया, चलो कुछ तो चिंतन किया ही आपने, तो ऐसे कुछ और करोगे तो और निकलेगा। लेकिन एक्चुअली त्याग है क्या, किसको हम त्याग कहते हैं, त्याग मतलब क्या? मैंने तो ऐसे समझा जो अपनी अपनी सामर्थ्य है दूसरे की भलाई के लिए, अब वो पक्ष यानी कि वो पोस्ट में या कोई चीज भी है तो उसको छोड़ना भी एक त्याग जैसा, ये समझा मैंने तो। कोई चीज को कोई आशा यानी कि कोई खुशी को अपनी खुशी को दूसरे के भले के लिए छोड़ना, ये भी त्याग। पर आप पहली बात तो अपना कुछ है ही नहीं, सामर्थ्य भी अपनी नहीं है, ना वस्तु अपनी है, ना शरीर अपना है, ना सामर्थ्य अपनी है, तो त्याग कहें किसको, अपना कुछ है ही नहीं ना, है ही किसी दूसरे का, और हमने मान लिया था कि ये मेरा है और ये मैंने इनकी भलाई के लिए दे दिया, इसलिए ये मैंने त्याग कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति मान लो किसी के पास दो मकान है और वो कहता है कि एक मकान का मैंने त्याग कर दिया उस व्यक्ति के लिए, लेकिन अगर वो पारमार्थिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो मकान उसका था क्या, माना हुआ है, था नहीं उसका, मान लिया था कि ये मेरा है। तो हम पारमार्थिक दृष्टि से यदि देखेंगे ना तो पहली बात हमारा कुछ है ही नहीं, एक बात है ये तो, और दूसरी बात ये है कि जो हमने दिया भी है ना तो वो भी हमने अपनी खुशी के लिए दिया है, उसको देने से मुझे खुशी मिली है, वो मेरा मित्र था, मेरा कोई संबंधी था, या कोई वो समाज की सेवा करने वाला था, तो उस ऐसे व्यक्ति को देख करके मुझे खुशी मिलती है। तो एक्चुअली मैंने किसकी खुशी के लिए किया, अपनी ही खुशी के लिए किया। तो ये तो हो गया पारमार्थिक त्याग। तो पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो त्याग जैसी कोई चीज नहीं है फिर, और इसको लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो जो चीज लौकिक दृष्टि से पूर्ण रूप से मेरे अधिकार में थी, जैसे मेरा शरीर पूर्ण रूप से मेरे अधिकार में है लौकिक दृष्टि से, तो उसको किसी अपनी इच्छा से किसी की सेवा के लिए लगाना, अपनी वस्तु को, अपनी किसी धन संपत्ति को, तो उसको लोग त्याग कहते हैं। अब आपको यहाँ गुरुकुल में जो तकत मिला है पारमार्थिक दृष्टि से तो आपका है नहीं, आप लेके आए नहीं, लेके जाएंगे भी नहीं यहाँ से, लेकिन लौकिक दृष्टि से वो आपको मिला है यहाँ रहते समय, और कभी कोई एक अलग कोई ब्रह्मचारी आ गया आपके पास, आपके रूम में दो की बजाय तीन आ गई, और उस दिन आप नीचे सो के उसको अपने तकत पे सुलाएं, तो आपने फिर त्याग किया अपनी खुशी का, भले ही उसको ऊपर सुलाने से आपको खुशी मिल रही थी तो आपने अपनी ही खुशी के लिए किया, तो भी आपके अधिकार में जो वस्तु थी वो आपने किसी दूसरे को दे दी, उसको सुख मिले, तो फिर उसको त्याग कहेंगे। तो इसमें ज्यादा खुशी मिलती है। त्याग हम किसके लिए करते हैं,
अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर हम उसको नीचे सुलाते और हम ऊपर सोते तो हमें कम खुशी मिलती। शरीर की खुशी तो मिल जाती, लेकिन मन में ये रहता कि देखो इसको तो नीचे सुला दिया मैंने और मैं ऊपर सो गया, तो कहीं ना कहीं ग्लानी होती। उसको मिटाने के लिए उससे भी ज्यादा खुशी मिले, शरीर दुखेगा वो कम दुख है, लेकिन ग्लानी होती वो ज्यादा दुख है। तो मैंने ज्यादा दुख को हटाने के लिए कम दुख को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर ये देवी संपद बढ़ाने के लिए हमें त्याग के बारे में बता रहे थे ना, कि त्याग किसके लिए है? त्याग वास्तव में मेरे लिए है, क्योंकि मैं त्याग करके भी क्या कर रहा हूं, अपनी दैवी संपद को बढ़ा रहा हूं। तो इसलिए त्याग कर देना चाहिए जो मेरे अधिकार की चीजें हैं और वो किसी दूसरे के ज्यादा काम आ रही, उसको ज्यादा आवश्यकता है। मेरे पास कुछ रुपए पैसे हैं और दूसरे व्यक्ति से भले ही मेरा संबंध भी नहीं है, लेकिन उसको इतनी आवश्यकता है कि उसका तो जीवन ही उजड़ जाएगा अगर वो नहीं मिला तो। और मैंने तो इसलिए रखे थे कि कभी मुसीबत में काम आएंगे, तो उसका जीवन बचना चाहिए, तो उसको भी खुशी मिलेगी और उसका जीवन बचा के मेरे को डबल खुशी मिलेगी, पैसे से भी ज्यादा। तो फिर उसको दे देना चाहिए, और देते भी हैं लोग। दान भी ऐसा ही है, त्याग भी ऐसा ही है, स्वेच्छा से किए जाते हैं ये, और जो छीन लेते हैं उससे दुख होता है। अपनी इच्छा से दे देते हैं तो उसको त्याग कहते हैं, फिर सुख होता है। और चीजें तो छीननी ही है, यहां सदा सदा के लिए सबको सब चीजें नहीं मिली हैं, एक सीमित पीरियड के लिए मिली हैं, वो छीननी ही है, सब छीनना है जो कुछ भी है ना। तो बाहर जो कुछ है वो भी छीनना है, और जो शरीर है ये भी छीनना है, ये भी तो दिया है ना किसी ने। तो जो जागरूक होते हैं वो फिर अपनी इच्छा से दे देते हैं, जो देना चाहिए तो सब दूसरे को दे देते हैं, दान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं। ठीक है, तो हम छोटी छोटी चीजों का कर सकते हैं। व्यक्ति ना बड़ी बड़ी चीजों का तो कभी कभी कर देता है, लेकिन कभी कभी छोटी चीज का त्याग नहीं करता है। ऐसे भी होता है, एक व्यक्ति जैसे कुछ लोग ना कहीं किसी संस्थान में कहीं संगठन में जैसे दान दे दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपने संपत्ति का त्याग किया, 5 लाख 11 लाख ऐसे उन्होंने दे दिया, त्याग कर दिया उन्होंने। और फिर वो उस संस्थान में गई, और उस स्थान में गए तो वहां काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा था उसने ठीक से बिहेव नहीं किया, उसको क्या पता इसने क्या दे रखा है, और दे भी रखा है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही आया है, तो वो उसको ठीक से अटेंड नहीं करता है। और इस व्यक्ति का ये जो व्यवहार था वो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो बोलता है कि हमने इतने पैसे दिए और ये तो हमारे से ठीक से व्यवहार तक नहीं करते हैं, तो वो फिर उसको छोड़ के नाराज होके चला जाता है। और कभी ऐसे होता है कि चलो वो रह भी गया, और फिर उसने देखा कि वहां पर कमरे में जो बाथरूम है उसमें एक नया साबुन का प्रोडक्ट आया है अभी पतंजलि का, जो बाहर कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो बोलता है कि चलो इसको लेके चलते हैं, हम तो दान दिया है ना, हम तो यहाँ के मेंबर हैं, तो हमें कौन मना करेगा, मना तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन इतना सारा दे करके वो व्यक्ति उस थोड़े से मिसबिहेव के कारण उसको छोड़ के चला जा रहा है, तो बड़ी चीज का तो त्याग कर दिया, छोटी वाली का नहीं किया। ये तो छोटी बात थी ना भाई, वो तो आपको जानता भी नहीं है, तो उसने यदि आपको ठीक से अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर वो इसको त्याग नहीं कर पाया। बड़ी का कर देता है कभी कभी व्यक्ति, तो कभी बहुत बड़ा त्याग कर देता है व्यक्ति। आप अपने घर बार से आए, कुछ तो आप में ऐसे हैं जो नौकरी भी छोड़ के आए, कुछ ऐसे हैं जो अपने घर में अच्छी ठीक ठाक संपत्ति थी उसको भी छोड़ के आए, अपनी पढ़ाई डिग्री सब छोड़ के आए, लेकिन यहाँ कभी कभी एक थाली के ऊपर झगड़ा हो जाता है, कहता ये एक ही थाली है, वो कहता मैं पहले आया था, मेरे को उठानी है, वो कहता मेरे को उठानी है, कभी एक चद्दर पे झगड़ा हो जाता है,
कभी एक कटी वस्त्र पे हो जाता है कि इसको 6 महीने पहले मिला था और मेरे को तो 12 महीने पहले मिला था, तो ये मुझे मिलना चाहिए, उसको क्यों मिले। तो बड़ा, इतना बड़ा त्याग किया देखो, जीवन का फैसला लेना, और फिर छोटे वाला त्याग नहीं होता है कभी कभी। तो हम कहाँ कौन सा त्याग कर सकते हैं ये चिंतन करेंगे तो फिर ऐसे मिलेगा, दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि चलो मैं अपनी इस इच्छा का त्याग कर देता हूँ, मैं अपनी इस आदत का त्याग कर देता हूँ। तो फिर व्यक्ति त्याग करता जाता है ना, तो उसको कष्ट नहीं होता है, और उससे छीन लिया जाता है तो उसको कष्ट होता है। सांख्य का सूत्र है ना, क्या है वो, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। बाज, शेन मतलब बाज, तो उसने मुख में पकड़ रखा है मांस, तो वो दूसरे पक्षी हैं वो उसको मारते हैं चारों तरफ से, अपने मुख से प्रहार करते हैं, तो अब वो बिल्कुल लहू लुहान हो गया ना, तब उसने उसको छोड़ना पड़ा, वो मांस के टुकड़े के लिए उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो अब इसने अपनी इच्छा से छोड़ दिया, तो अब ये सुखी होता है, यह है त्याग। और उन्होंने झपट लिया तो ये हो गया वियोग, एक होता है त्याग, एक होता है वियोग। जब हमारे से किसी चीज का वियोग कर देता है कोई, हटा लेता है, जबरदस्ती छीन लेता है, तो हमें क्या होता है, दुख। और जब हम त्याग कर देते हैं अपनी इच्छा से, तब हमें मिलता है सुख। तो यहाँ पर सुबह से शाम तक जब आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे ना अपने उसको, दिनचर्या को, तो आपको जहां जहां ये लगे कि अब ये चीज मेरे पास से हटनी है, तो उसका अपनी तरफ से त्याग कर दो, तो फिर तो सुखी रहोगे, और नहीं तो कोई जबरदस्ती छीनेगा तो फिर दुखी हो जाओगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई भावना भी हो सकती है। तो बोले मैंने इसका त्याग किया, ठीक है, आपको किसी से अपेक्षा थी और उसने आपकी अपेक्षा पूरी की नहीं, तो बोले हमने इस अपेक्षा का त्याग किया, ठीक है, नहीं करेंगे, तो फिर ये व्यक्ति शांत रहेगा। और इसने अपेक्षा को पकड़ रखा है और उसको वो चीज मिल नहीं रही है, वियोग हो रहा है, तो फिर दुख होगा। तो इसलिए इन्होंने, कल गीताकार ने बताया था कि अगर आपको दैवी संपद बढ़ानी है तो त्याग का अभ्यास करें, क्योंकि त्याग में, त्याग करने से सुख की वृद्धि होती है, दैवी संपद की वृद्धि होती है। और आगे कहा, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम। शांति ही, शांति को बढ़ाना, शांति कहाँ से मिलती है, कौन सी दुकान पे मिलती है शांति, कहीं नहीं मिलती है बाहर, शांति अपने अंदर से ही मिलती है। हाँ जी, किससे कह रहे हैं अजय, किस, भगवान की दुकान, भगवान की दुकान कहाँ है, भगवान की दुकान कहाँ है, अपने अंदर ही है ना, अपने अंदर ही है और बाहर भी है सब जगह, तो वो सब जगह उपलब्ध है, सर्वगत है ना, वो सर्वव्यापी है। दिल्ली में ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हो दिल्ली में, वो कहाँ कह रहे है? तुम कह रहे हो उसकी तरफ से, उसकी हंसी उड़ा रहे हो बेचारे की, ये तो यहीं रहता है, अभी दिल्ली कहाँ रहता है। तो ये शांति है ना, ये हर, इन्होंने दिल्ली का त्याग कर दिया, तो शांति तो अपने अंदर ही है, तो त्याग है शांति ही अपैशुनम। कोई हमारी शांति छीन नहीं लेते हैं, दूसरे व्यक्ति हमारी शांति को छीन लेते हैं, और कभी कभी दूसरे व्यक्ति हमें शांति दे भी देते हैं, होता है कि नहीं, ऐसे होता है ना, कुछ लोग शांति छीन लेते हैं, कुछ लोग शांति दे देते हैं। तो शांति अंदर का है, बाहर है शांति, तो नहीं बाहर नहीं है, वो देते हैं ना, वो हमारे अंदर वाली से ही परिचय करवाते हैं, और जो छीनते हैं वो हमारी अपनी ही उस उतनी देर का जो प्रमाद है उसके कारण ही हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी लापरवाही से ही हम उससे हट जाते हैं, और अपने जागरूकता से ही उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, अंदर ही है। त्याग शांति अपैशुनम, पिशुनता कहते हैं निंदा को,
पैशुनम माने निंदा, अपैशुनम माने निंदा न करना। अगर किसी को कुछ कहना भी है तो उस व्यक्ति को ही कह दो, पीछे से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसके दुर्गुणों का आविष्कार करना ये दैवी संपद के विरुद्ध है। तो ये वाला जो है ना ये बहुत मिलता है, फिर पैशन वाला जो है ना दुर्गुण ये बहुत मिलता है। व्यक्ति जिससे शिकायत है ना उसको नहीं कहता है, दूसरों के सामने कहता है, उसकी बुराई दूसरे के सामने करता है। तो इससे दोनों का ही लाभ नहीं होता है, क्योंकि जिसके जिसका आप दुर्गुण देख रहे थे उसको तो पता ही नहीं चला, उसको बताते तो शायद वो विचार करता उसके ऊपर और शायद हटा भी देता, तो उसको तो पता ही नहीं चला। और जिसको आप सुना रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप उल्टा उसके चित्त को और गंदा कर दे रहे हैं, उसका तो साफ था। तो किसी की बुराई करके आपने डबल हानि कर दी और ट्रिपल कर दी, अपने भी कर ली, आपका भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका लाभ तब होता जब उस व्यक्ति का वो दोष हट जाता। तो इसका ठीक तरीका तो यही था कि जिससे आपको शिकायत थी उसी के पास जाकर के निवेदन कर लेते, आपकी आदत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उस पर विचार भी कर लेता। तो या तो उसका नहीं है तो वो गलत है तो उसको हटा देता, और वो गलत नहीं है, आपने ही गलत सोच रखा है, तो वो आपको बता देता कि ऐसा नहीं है ये ऐसा है। तो कभी कभी हम एक तरफा सोच करके भी ऐसा मान लेते हैं और ऐसा नहीं होता है, ऐसे भी होता है, हमने अपनी तरफ से कभी ऐसे मान लिया और दूसरे व्यक्ति के मन में तो ऐसा था ही नहीं। तो ये पिशुनता वाला दोष है ना ये बहुत हमारी हानि करता है, इसलिए कहा अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम्, और दया भूतेषु अलोलुपत्वं मार्दवं ह्रीहि अचापलम्। तो इसके ऊपर आप चिंतन करके आना और फिर क्लास में कल इसके ऊपर चिंतन करेंगे, नीचे वाली पंक्ति के ऊपर। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।